हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। राजस्थान में टोटल 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 14 मेडिकल कॉलेज में 8 पुरानी मेडिकल कॉलेज हैं और 6 नई मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 5 2018 में रन हुई थी और एक GMC बाड़मेर इस साल 2019 में रन हुई थी। इन 8 पुरानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 मेडिकल कॉलेज RUHS जयपुर और झालावाड़ में मैनेजमेंट कोटा है, जिनकी फीस 7,20,000 रुपये सालाना है। इसके अलावा जो 6 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी फीस 7,50,000 रुपये पर ईयर है। ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस ही है, अगर अदर एक्सपेंस जोड़ें तो ये 9,00,000 रुपये पर ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है। मैनेजमेंट कोटा के साथ साथ राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में NRI कोटा भी है। $105,000 जो पूरे कोर्स की फीस 75,00,000 रुपए समथिंग बनती है। दोस्तों, इंडिया के किसी भी स्टेट में इस प्रकार से मैनेजमेंट व NRI कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी ज़्यादा फीस होने के कारण नीट में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी स्टूडेंट इन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट 9,00,000 रुपए पर ईयर फीस नहीं दे पाएंगे। अभी हम बात करें राजस्थान स्टेट की नीट 2019 में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए इतनी हाई मेरिट क्यों रही। तो राजस्थान स्टेट में जो 6 पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी कट ऑफ 597 मार्क्स रही थी मोपअप राउंड लास्ट राउंड में, और जो न्यू मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, उनमें 580 मार्क्स कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की। और गवर्नमेंट कॉलेज में ही 7,50,000 फीस की मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो इसकी कट ऑफ 550 मार्क्स के नियर बाई रही थी। अगर इन गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा नहीं होता तो 580 मार्क्स की बजाय 570 मार्क्स ही कट ऑफ जाने थी। ये जो 580 से 570 के बीच के जो स्टूडेंट हैं, ये मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन मैनेजमेंट कोटा होने के कारण इनको सीटें नहीं मिल पाई और इनको ड्रॉप लेना पड़ा। अभी ये दो पुरानी मेडिकल कॉलेज, इनमें भी मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन 578 मार्क्स कट ऑफ रही है, यानी कि इन इतनी हाईएस्ट मार्क्स होने के बाद भी इनको 8,00,000 रुपये सालाना फीस देनी पड़ रही है। जो पुरानी मेडिकल कॉलेज हैं झालावाड़ और RUHS में भी ये सिस्टम है मैनेजमेंट कोटा का। गवर्नमेंट को इस विषय में स्टेप लेना चाहिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा हटा देना चाहिए, ताकि मेरिट वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकें और नीट में अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा फीस न देनी पड़े। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैनेजमेंट कोटा को ख़त्म करने के लिए हर जगह गुहार लगाई, मगर कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। अंततः इनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अभी हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों वसूली ज़्यादा फीस। 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई हुई थी। ये जो आप न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, ये इसमें लिखा है, बिना कमेटी की सिफारिश मनमानी फीस कैसे ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्यों वसूली ज़्यादा फीस। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश पर लाखों रुपए फीस वसूलने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी MCI, RUHS और मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दीर्घा जैन सहित अन्य छात्रों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। छात्रों के वकील SN कुमावत ने कोर्ट को बताया कि छात्रों का प्रवेश नीट परीक्षा पास करने पर हुआ था और काउंसलिंग के समय मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश दिया गया था। इनको तकरीबन 7,50,000 रुपए की फीस जमा करने को कहा गया। दरअसल नए खुले मेडिकल कॉलेज में 35% सीटों को मैनेजमेंट कोटे में रखा गया है। इन पर फीस तय करने का कोई तय पैमाना नहीं है।
निजी मेडिकल कॉलेज के समकक्ष फीस वसूली जा रही है, जबकि राज्य को कल्याणकारी योजना के तहत इस तरह फीस वसूली नहीं कर सकता है, यह नियम के खिलाफ है। वीडियो के अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस विषय पर ध्यान दें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा को खत्म करके सभी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फीस ही रखें, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने की तैयारी करता है तो उसको नीट की कोचिंग के लिए तैयारी के लिए सालाना लाखों रुपए देने होते हैं, और नीट में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी जब उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही ऐसा भेदभाव क्यों कि एक स्टूडेंट को 9 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ते हैं, तो फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क ही क्या रह गया। इससे तो मेरिटोरियस स्टूडेंट का मनोबल टूट ही जाएगा। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा तो राजस्थान में आसमान को छूने वाली कट ऑफ कम हो जाएगी, जिससे स्टूडेंट डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करके आपसे विदा चाहता हूं। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।